लाइफ में हमेशा पॉजिटिव बातें बोलनी है, नेगेटिव नकारात्मक बातें अपनी लाइफ के लिए कभी भी नहीं बोलनी है। कभी भी नेगेटिव पॉइंट अपनी लाइफ के लिए मत बोले, आप हमेशा पॉजिटिव बोलें, मैं ये करूंगा परमेश्वर मेरा ये काम करेगा, है ना। हम अपनी सोच में ये नेगेटिव पॉइंट लेके ही क्यों चलें? शैतान ऐसे ना कर दे, दुष्ट आत्मा ऐसे ना कर दे, है ना, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना, आज बात ही नहीं की। आप हैरान मानेंगे, उस औरत ने ये कहा कि मैं पल्ले को छू लूंगी, उस औरत ने विश्वास किया और पल्ले को छू लिया और वो औरत क्या होगी, चंगी हो गई। और जिसने चंगा किया उसे पता भी नहीं चला, यीशु मसीह को पता भी नहीं था कि मुझे किसने छू लिया। हम तो जब तक पास्टर को ढंग से पता ना लगा देना जी मेरे अंदर बीमारी है, तब तक सबर नहीं आता, है ना। उसे पता यहाँ बात नहीं हुई, अंदर जाके बताएंगे जी टिड भी दुखता है, लक भी दुखता है। मैं एक किसी के फोन पे बात करता हूँ, हाँ क्या दिक्कत है भाई, ये दिक्कत है, ये दुआ कर दी, है ना। फिर जाके कहेंगे, फिर आमीन करते बोलेंगे सिर भी दुखता है जी, चलो बहन जी सिर के लिए प्रार्थना कर देता हूँ, फिर जी मेरे जोड़ा के भी दर्द है जी, है ना। वो एक एक चीज गिन गिन के सुनाते हैं। जब ऐसे बोल दिया प्रभु इसको छू ले, बिजली करंट देखा है, बहुत से लोगों को कई बार थोड़ा बहुत है ना लगा हुआ झटका, क्या अकेले हाथ को ही लगती है? धूप में खड़े हो जाओ, ओनली सिर को लगेगी धूप, पूरे शरीर को लगेगी। हालेलुया, है ना। जो इस धूप को बनाने वाला और आग को बनाने वाला, वो आप कितना सामर्थी होगा, कितनी भस्म करने वाली आग होगी। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने शैतान को डांट ही दिया, दुष्ट आत्मा को डांट ही दिया, और दुष्ट आत्मा के द्वारा बनाई गई हुई बीमारियां भी रह नहीं सकती। हालेलुया।